अगला क्वेश्चन आपसे थर्ब्लिग्स पूछा जाता है। तो थर्ब्लिग्स क्या होता है? सिंपल है एकदम। ये जो थर्ब्लिग्स होता है इसका मोस्टली यूज जो होता है आपके सिम्बल्स पे देखा जाता है। ठीक है, आपके ये जो होते हैं आपके सिम्बल्स के आधार पे यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें लिखा गया है कि सभी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं उसमें कुछ आपके फंडामेंटल हैंड मोशन होती हैं, मतलब उसमें आपके कुछ हस्त गतियाँ यूज की जाती हैं। जब भी आप किसी भी जगह कोई भी काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे कुछ आपकी हस्त गतियाँ भी होती हैं। हाथों के माध्यम से आप इधर उधर अन्य प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, जो आपकी हमेशा एक निश्चित समय में बराबर होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि बराबर रहती हैं, एक निश्चित समय में वो होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं। ऐसा आप कुछ प्रोसेस में होता है। तो लिखा गया है कार्यचक्र की इन फंडामेंटल हैंड मोशंस को व्यक्त करने के लिए थर्ब्लिग्स का यूज किया जाता है। थर्ब्लिग्स जो होता है आपके सिंबल्स के बेस में होते हैं। इन सबको भी हम आगे देखेंगे। टाइम और मोशन अध्ययन में थर्ब्लिग्स का प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब भी थर्ब्लिग्स पूछा जाएगा तो आप इतना लिखेंगे, साथ ही साथ कुछ फिगर हैं जिसको आपको बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम में, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बिना जो अध्ययन होता है आपका पूरा नहीं हो पाता। कोई भी चाहे टाइम स्टडी करें, वर्क स्टडी करें, वर्क मेजर करें, मतलब कोई भी काम करें वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं माना जाता है, जबकि जब तक वहाँ पे आप इन सभी थर्ब्लिग्स का यूज नहीं करेंगे। किसी भी कार्य को करने में जितनी भी गतियाँ करनी पड़ती हैं उन्हें छोटी और मूलभूत गतियों में बांटकर फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। जो भी मोशन हमारा काम करने का होता है, जिस प्रकार से जो काम करते हैं उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो अनावश्यक गतियाँ होती हैं उसको हम दूर भगा देते हैं और जो उपयोगी गतियाँ हमारे यूज की होती हैं उसका प्रयोग करके हम उसको अधिक से अधिक इकोनॉमिकल रूप में कर लेते हैं, ताकि हमारा अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ थर्ब्लिक्स लिखे गए हैं। इसको हम कुछ बताएंगे नहीं, आपके सामने सब है, बस यहाँ देख लेना। ये आपका जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये आपके थर्ब्लिक्स का नाम है। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ इसका संक्षिप्त शॉर्ट नेम है, इसका सिंबल है, यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका रंग कैसा रहता है, जो सर्च होता है इसका प्योर खोज करना होता है। यस, इसका संक्षिप्त नाम है। इसको इस शेप या सिंबल से, इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाम लिखा गया आंखें घूमी हुई और इसका रंग काला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे थर्ब्लिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम पे भी हम इसको सेंड कर देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास इसको रख लीजिए। पूरा इतना 18 थर्ब्लिक्स आपके सामने दिए गए हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। इसमें से 8-10 कुछ याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। बस इतना ही आपके थर्ब्लिक्स में है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में सीमो चार्ट या सिमुल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट क्या होता है, इसको समझाइए। तो देखिए बहुत सारे चार्ट्स आपने पढ़ लिया है, वही सब कुछ इसमें भी है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जो सीमो चार्ट होता है आपके फिल्म विश्लेषण पर आधारित होता है। जो आपका पिछले लेक्चर में हमने फिल्म के बारे में बताया था, जो आपका एक लंबे एक रेल की तरह रहता है, उसमें सारे डाटा को एकत्रित करके उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, उसमें उसी तरह ये भी कुछ काम करता है। ठीक है, यह प्रचालक के शरीर के अंगों की संगठित एवं समन्वित गतिविधियों का ग्राफीय चित्रण होता है। इसमें जितनी भी गतिविधियां आपकी होती रहती हैं उन सबका एक तरह से फ्रेमिंग किया गया रहता है इस चार्ट में। इसमें कार्यचक्र को थर्ब्लिक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। इन थर्ब्लिक्स के पूर्ण होने में लगने वाले समय को भी हम चार्ट पर नोट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें यह होता है कि जितने थर्ब्लिक्स के आपके चिन्ह हैं उन सब का प्रयोग भी आप सीमो चार्ट में करते हैं। ओके, अभी चार्ट दिखाएंगे। लिखा गया है कि चार्ट पर शरीर के समस्त अंगों की गतिविधियों को हम नोट करते हैं, परंतु यह चार्ट केवल हाथ की गतिविधियों को ही दर्शाता है। केवल यह थर्ब्लिक्स को ही दर्शाएगा। थर्ब्लिक्स मतलब हाथ के द्वारा जो भी गतियां आपकी की गई हैं किसी भी जगह फैक्ट्री वगैरह में, उन्हीं को केवल यह दर्शाएगा। कौन? सीमो चार्ट। तो यहाँ आपके सामने एक सीमो चार्ट का एक छोटा सा दिखा दिए हैं। इसका ये मॉडल है, इसमें सबसे ऊपर आपका विभाग का नाम रहता है, गतिविधि का नाम, सीट नंबर, ऑपरेशन, ऑपरेटर का नाम, फिर यहाँ पे फिल्म नंबर कौन सा है, दिनांक कौन सा है, समय कौन सा है और रिकॉर्डर का क्या नाम है। ये सब आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किसी कंपनी के लिए आपका यहाँ लिख कर बताया गया है कि छेनी का हथौड़ा जो ग्राफ से थर्ब्लिक्स इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसी कंपनी का जो है एग्जाम्पल लेकर आपको इसमें समझा दिया गया। ये सब एक एक घंटे के मैक्सिमम लेक्चर होते हैं, जो थर्ब्लिग्स हो गया, आपका सिमो चार्ट हो गया। अगर इसको पढ़ेंगे तो एक एक घंटे का ये पूरा लेक्चर देखने को आपको मिलेगा, ठीक। लेकिन एग्जाम के समय में शॉर्ट नोट्स में आपको जल्दी तैयारी करनी है तो आप इतना लिख सकते हैं कि इसमें ये ब्यौरा दिया रहता है, इसके माध्यम से सिमो चार्ट में क्या क्या होता है, आप इसको पूरी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। लिखेंगे कि सिमो चार्ट्स में ओनली जो हाथ वाली गति होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें थर्ब्लिग्स के सिंबल वगैरह यूज किए जाते हैं वो सब सिमो चार्ट में हम दर्शाते हैं, ठीक। तो ये सब आप इसमें लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। तो ये हो गया आपका टोटल सिमो चार्ट। आगे चलिए देखते हैं, आपका आ गया वर्कप्लेस लेआउट। जो आपका वर्क स्टेशन होता है उसका लेआउटिंग हम किस प्रकार से करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, आपको पता ही होगा लेआउट के बारे में, हमने आपको पीछे भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि अगर लेआउटिंग सही से नहीं करेंगे तो श्रमिकों को प्रॉब्लम होगी, काम सही से नहीं हो पाएगा, आपका जो काम हो रहा होगा उसमें भी बाधा आ सकती है। तो इसमें लिखा गया कि एक अच्छे वर्कप्लेस लेआउट का उत्पादकता वृद्धि में बहुत ही योगदान होता है। एक सुविधाजनक कार्यस्थल श्रमिकों को संतुष्ट रखता है तथा एक बार में लंबे समय तक कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। अगर लेआउटिंग सही से नहीं रहेगी किसी भी जगह की तो जान लीजिए वहाँ पे काम सही से नहीं हो पाएगा। जबकि एक खराब लेआउट जो करता है वह उत्पादकता के विपरीत प्रभाव डालता है, अर्थात प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, मजदूर खुश नहीं रहेंगे, आपका जो लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको डिज़ाइन करते समय बहुत सारे नियम दिए गए हैं, इन सभी विचारों को आपको ध्यान में रखकर ही किसी भी जगह लेआउटिंग करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि पदार्थ तथा औजार जहाँ तक हो सके ऑपरेटर के सामने तथा सामान्य कार्यकारी क्षेत्रफल में उनके नज़दीक होने चाहिए। मतलब अगर लेआउटिंग जो भी कर रहे हैं उसके लिए नियम ये रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो भी टूल यूज हो जा रहा है वो ऑपरेटर के सामने ही काम करें, ताकि कुछ खराबी हो तो उसकी सही प्रकार से मरम्मत की जा सके, श्रमिक पर किसी भी प्रकार का कोई लोड ना आने पाए। नेक्स्ट कहता है कि पदार्थ की आकृति एवं प्रकृति में लेआउट उसकी स्थिति को प्रभावित करती है, इसलिए जो लेआउटिंग हो वो सही से करना चाहिए। देखिए क्या होता है, डिज़ाइनिंग करते समय बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हमें इस प्रकार से डिज़ाइनिंग करना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना उत्पन्न हो सके और जो हमारा काम है वो बिना रुके, बिना बाधित हुए आसानी से आगे चलता रहे। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कार्य दोनों हाथों से किया जाता है तो प्रत्येक हाथ के लिए पदार्थ अथवा पुर्जों की अलग से आपूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथों के माध्यम से एक में ज़्यादा लोड ले लें, एक में कम लोड ले लें। तो हमने आपको पीछे भी अभी बताया था कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हाथों को लेकर, जो आपके बॉडी से रिलेटेड मितव्ययिता का सिद्धांत था उसमें बताया था, ठीक। तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ भी लिया होगा। नेक्स्ट कहता है कि औजारों को आसानी से उठाया या बदला जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। जैसे ही पदार्थ का अगला पीस सामने आए टूल भी ऑटोमेटिक रूप से सामने आ जाएं और ऑपरेटर उसको आसानी से उठा सकें। तो ये सब नियम हैं लेआउटिंग के, जहाँ पे कि जो भी आपका जहाँ काम होना है वहाँ की लेआउटिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपका धुआँ, शोर, गर्मी, नमी, वाइब्रेशन ये सब ना हो रहे हों, ठीक। तो ये आपका लेआउटिंग था, इसके बारे में छोटा सा एक टॉपिक जो आपने पढ़ लिया, पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आपका वर्क मेजरमेंट आता है। जो कार्य मापन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो कार्य मापन क्या होता है, सिंपली तौर पर लिखा गया कि कार्य मापन का प्रयोग किसी काम को करने में लगने वाले मानक समय तथा मानक उत्पादन स्तर दर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो कार्य मापन होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि इसमें जो स्टैंडर्ड समय लगता है और इसके जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम कार्य मापन का यूज करते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा स्टैंडर्ड टाइम। जैसे एक होता है मानकीकरण, दूसरा मानक समय, इन्हीं दोनों से आपका बनता है वर्क मेजरमेंट, ठीक। तो चलिए मानकीकरण को देखते हैं। जो मानकीकरण है इसमें लिखा गया है कि एक सर्वोत्तम कार्यविधि करने के बाद उसका मानकीकरण किया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे कि अगर कोई भी नया प्रोसेस आपने किया है, प्रोडक्ट अच्छे बने हैं तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन जरूर कर देना चाहिए, उसको ब्रांडिंग दे देनी चाहिए कि ये कंपनी अच्छी प्रोडक्ट बना रही है। उसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट में भी होता है, टाइम स्टडी में भी होता है और वर्क मेजरमेंट में भी देखने को मिलता है। नए कार्य में प्रयोग की जाने वाली समस्त मानव तथा उत्पादन सामग्री का उपयोग, औजार, मशीन एवं संयंत्र के प्रयोग विधि पूर्ण रूप से परिभाषित करना और फिर उसका डिटेल्स रखना ही मानकीकरण कहलाता है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में किसी जगह कोई प्रोडक्ट अच्छा बन गया तो आप सोचेंगे इसी तरह सारे प्रोडक्ट बने, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में कितना समय लगा है, कितने लेबर लगे हैं, कितना कॉस्टिंग आई है, सब कुछ एक जगह नोट कर लेंगे और उसका डिटेल्स अपने पास रखने का जो कुछ भी मेथड रहेगा वही उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कही जाएगी, जिसे आप मानकीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन के बाद स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम वह समय होता है जिसमें कि एक सामान्य श्रमिक सामान्य गति से कार्य करते हुए बिना थके हुए काम को समाप्त कर दें। जैसे कि लोग अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो थकेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें कहने का मतलब ये होता है कि बिना थके अगर वह काम को कंप्लीट कर दे रहा है तो उसे हम मानक समय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट में 5 हैं, जिसमें फर्स्ट कह रहा है कि लेबर कंट्रोल को यह प्रभावी बनाता है। जो भी आपके वहाँ श्रमिक रहते हैं उनकी कंट्रोलिंग आसानी से हम वर्क मेजरमेंट के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आप जब कोई लेबर काम करेगा तो उसके वर्क का हमेशा मेजर करेंगे कि भाई तुम आज इतना काम किए हो, तो वो क्या करेगा, सोचेगा हम ज़्यादा करेंगे, तो इससे प्रभावित होते हैं वो लोग। नेक्स्ट कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के लिए भी आधार प्रदान करता है। जो आपके लागत है उस प्रणाली में भी आपको एक तरह से बेस प्रदान कर देता है वर्क मेजरमेंट, और आपका काम अच्छे प्रकार से चलता रहता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रोडक्शन प्लानिंग को भी साकार करता है। जैसे कि हमने बताया था, कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो पहले प्लानिंग बनाते हैं, प्रोसेस होता है, फिर कंट्रोलिंग चलता है, तो उसके लिए भी आप वर्क मेजरमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकताओं को भी निर्धारित करता है कि हमें कैसे उपकरण चाहिए, किस प्रोसेस में क्या उपकरण लगाने चाहिए कि हमारा काम अच्छे प्रकार से हो, तो उसको भी निर्धारित करने का काम आप वर्क मेजरमेंट के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्पादन कार्यों को भी यह प्रभावी बनाता है। जब भाई सब कुछ सही चल रहा है सही तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी तो अच्छा ही होगा। तो ये आपका था वर्क मेजरमेंट। पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देंगे, इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्टडी से है, समय अध्ययन कैसे कहते हैं। तो देखिए, समय अध्ययन और गति अध्ययन आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है। तो टाइम स्टडी को समझते हैं। तो टाइम स्टडी क्या है कि औद्योगिक कार्यों को करने के लिए समय को रिकॉर्ड करने और उसे अध्ययन करने वाली टेक्नोलॉजी को हम समय अध्ययन कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम किया जाता है तो जितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एक स्टैंडर्ड बेस होते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन लेते हैं, जूते लेते हैं, शूज वगैरह जो कुछ भी स्टैंडर्ड कपड़े लेते हैं, तो इसी तरह इसमें भी औद्योगिक क्षेत्र में भी सभी का एक अलग अलग स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाने में जितना समय लगा है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी के जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा हम अध्ययन करते हैं उसको हम टाइम स्टडी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि उत्पादन योजना और शेड्यूलिंग गतिविधियों के लिए जानकारी और आधार प्रदान करता है आपका टाइम स्टडी, कि जो भी प्रोडक्शन के करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं उसकी शेड्यूलिंग कैसी करनी है, उसका सारा बायोडाटा हम टाइम स्टडी के माध्यम से ही पता करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए शर्तों को यह मानकीकृत करता है कि भाई जो दक्षता वाली इसकी परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से, जो इसकी कंडीशन है क्या या इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका भी पता आप टाइम स्टडी के माध्यम से ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि मनुष्य और मशीनों के प्रभावी या कुशल उपयोग के लिए इसका अनुपात निर्धारित करता है। मनुष्य और जो मशीनें हैं इनके बीच के संबंध को तो आप एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन उनका जो उपयोग है, उनके जो स्किल्स हैं उसके बारे में भी जो कुछ भी पता चलता है वह टाइम स्टडी के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, तो आप इस सब का अच्छे से तैयारी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, तैयारी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज देखिए सिंपल है कि उपकरण आवश्यकताओं का अनुमान लगाना जो है कि कितने प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता होगी, इन सब का जो एस्टिमेशन होता है, इन सब का जो अनुमान लगाना रहता है वो सब टाइम स्टडी के माध्यम से ही पता चलता है। नेक्स्ट कहता है कि समूह का गठन करने वाले ऑपरेटरों के कार्यों को संतुलित करता है, कि जैसे कि आप ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो उसमें जो ऑपरेटर होते हैं उनका जो भी कार्य रहता है उसको मेंटेन करने का काम भी आप टाइम स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वितरणों की तारीखी का भी अनुमान लगाना, जो भी डेट वगैरह रहते हैं वितरण करने का वो सब भी इसमें टाइम स्टडी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं वही आपका टाइम स्टडी है। ठीक, सबका अलग अलग समय निर्धारित रहता है, कब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि कुशल संयंत्र लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग व्यवस्था का भी विकास होता है टाइम स्टडी के माध्यम से। तो ये इसका एडवांटेज था। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस हैं कि यह केवल वहाँ लागू होता है जहाँ कार्य को देखा जा सकता है, इसलिए इसमें केवल हम लोग जो भी काम करते हैं उसको हम मैनुअली डिज़ाइन करते हैं, जहाँ कार्य आपके सामने दिखे कि हाँ कार्य हुआ है, अंदर क्या वो सब इसमें नहीं दिखता। तो इसका एक हानि है। नेक्स्ट है कि इस तकनीक के द्वारा जॉब पर उन मानकों को स्थापित नहीं किया जा सकता जो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। मतलब इसमें केवल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जानकारी आपको मिलेगी, जो डुप्लीकेट है उनके बारे में आपको कोई डाटा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां गुणवत्ता के सूक्ष्मतापूर्वक मानकों को परिभाषित करना मुश्किल होता है और उत्पादन प्रोत्साहन गुणवत्ता के स्तर में गिरावट का कारण बने, वहां पे भी यह प्रोडक्ट या इस टाइम स्टडी का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए, ये इसके एडवांटेज हो गए, और ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, और ये इसका थियोरी हो गया। तो टाइम स्टडी भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब बारी आती है मोशन स्टडी की। गति अध्ययन क्या होता है? तो ये भी सिंपल ही है। लिखा गया है कि किसी भी उत्पादन कार्य में प्रयुक्त मशीन तथा श्रमिक के गतिविधियों का अध्ययन करके उसमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना तथा कार्य करने की विधि को अत्यंत सरल प्रभावशाली क्रमबद्ध करना ही गति अध्ययन कहलाता है। जैसे कि क्या होता है कि आप लगातार काम करते जा रहे हैं, उसमें मस्तियाँ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उन सबको दूर करने का जो प्रोसेस रहता है और अपने काम को सिंपल सरल और अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी मेथड हम यूज करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, वो मोशन स्टडी के माध्यम से ही अपनाते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी गलत चीज़ें हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, उन सबको दूर करके जो उसकी यूजफुल वाली हैं उसका प्रयोग करना ही मोशन स्टडी के अंतर्गत पता करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया आपका मोशन स्टडी कि किसी भी उत्पादन कार्य में जो भी मशीनें रहें, जो भी श्रमिक रहें, उनकी जो भी कुछ भी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई तुम 10 बजे से 5 बजे तक फैक्ट्री में आ रहे हो, 2 घंटा मतलब गश्ती कर रहे हो, तो 2 घंटे को ये लोग यूटिलाइज करते हैं और इन सब का जो कुछ भी अध्ययन करते हैं हम लोग कि 2 घंटे तुम यहाँ घूमे, 1 घंटे वहाँ गए, 1 घंटे वहाँ गए, ये सब जो अध्ययन किया जाता है, मतलब उनके मोमेंट को देखा जाता है कि आप कहाँ कब क्या कार्य कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन करना ही आपका मोशन स्टडी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समय तथा गति अध्ययन के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं इसको समझते हैं। इससे क्या होता है कि उत्पादन कार्य को सरल एवं छोटे प्रक्रमों में बांटा जा सकता है कि आपके छोटे छोटे एक एक मोमेंट को देखा जा सकता है कि आप कब क्या कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अनावश्यक कार्यों एवं गतियों को इसके माध्यम से आप लोग समाप्त भी कर सकते हैं, जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं आप उसका इसमें यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि प्राप्त समय में नॉर्मल समय को भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे कि आपका 10 घंटे ड्यूटी करना है तो आप उसमें 1 घंटे मस्ती कर रहे हैं, 2 घंटे घूम रहे हैं, तो उसको अलग करके आप कितने घंटे काम कर रहे हैं वो भी आप मोशन स्टडी के माध्यम से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि सूक्ष्म अध्ययन करके सर्वोत्तम नहीं कार्यविधि को ज्ञात करना। सूक्ष्म अध्ययन करके सर्वोत्तम कार्यविधि को भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं कि हम जैसे कि हर एक स्टेप पे धीरे धीरे हम उसका अध्ययन करेंगे, कब कहाँ कौन सा काम हो रहा है, इसके माध्यम से उसके सारे प्रोसेस को हम मोशन स्टडी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक कार्य भाग में लगने वाले समय को जोड़कर पूर्ण उत्पादन कार्य में लगने वाले वास्तविक समय को भी हम ज्ञात करते हैं। जो रियल टाइम होता है और जो फेक टाइम होता है, इन दोनों को हम मोशन स्टडी के माध्यम से ही अलग करते हैं। जैसे वही हमने बताया 10 घंटे घूमे हो, सॉरी 10 घंटे में 2 घंटे घूमे हो, तो उसको अलग करके इन सब में अंतर स्थापित करना भी आप मोशन स्टडी के माध्यम से पता करते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि उत्पादन कार्य में लगे हुए प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा किए जाने वाली घटनाओं एवं उसमें लगने वाले समय को भी आप मोशन स्टडी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। देखिए इसका जो कुछ भी लाइनें हैं आप उसको आसानी से अपने आप खुद समझ सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि उचित कार्य के लिए आवश्यक योग्यता जो ज्ञात की थी है वो भी आपके मोशन स्टडी के माध्यम से ही ज्ञात की जाती है। तो टाइम स्टडी भी हो गया, मोशन स्टडी भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंस। तो टाइम स्टडी जो होता है यह केवल समय को मापता है, लेकिन जो मोशन स्टडी होता है यह कार्य को सरल बनाता है। ठीक, टाइम स्टडी जो होता है कार्य को जल्दी कंप्लीट करता है, मोशन स्टडी जो करता है कार्य को सस्ता एवं सरल बनाता है। टाइम स्टडी के द्वारा एक स्टैंडर्ड टाइम का पता चलता है, लेकिन मोशन स्टडी के माध्यम से एक स्टैंडर्ड टास्क का पता चलता है। टाइम स्टडी में क्या होता है, गति अध्ययन के बाद में किया जाता है और यह समय अध्ययन से पहले ही कर लिया जाता है। ठीक, मतलब इसमें जो काम रहेगा यह गति अध्ययन के बाद में करेंगे, लेकिन मोशन में सब कुछ पहले करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इसमें कार्य का हम मेजरमेंट करते हैं, इसमें हम कार्य को सरल बनाते हैं। तो देखिए सब सिंपल है, आप इसके साथ रख लीजिए, अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए और इम्पॉर्टेंट है, आता भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आपका आता है परफॉर्मेंस रेटिंग। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है ये क्या करता है कि जो आपके लेबर डेली काम कर रहे हैं और जो लेबर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, इन दोनों के बीच आपके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके माध्यम से आप परफॉर्मेंस रेटिंग के माध्यम से इन दोनों के बीच जो कुछ भी समानताएं होती हैं उसका पता लगाया जाता है। जैसे लिखा गया कि परफॉर्मेंस रेटिंग एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें कार्य कर रहे श्रमिक की गतियों में लगे समय की तुलना एक सामान्य श्रमिक से की जाती है। कि हम जैसे कोई श्रमिक है वो डेली काम कर रहा है, कोई श्रमिक है वो श्रमिक है लेकिन वो बैठा हुआ है, तो दोनों का कंपेयर जो होता है वह परफॉर्मेंस रेटिंग के माध्यम से ही आपका किया जाता है। इन सब का यूज आपके औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, लिखा गया है कि सामान्य श्रमिक एक काल्पनिक व्यक्ति होता है जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीकों से कार्य को भलेभांति बिना किसी पर्यवेक्षक की निगरानी में कर सकता है। मतलब इसमें किसी भी इंस्पेक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप काम को करते रहते हैं। लेकिन जो डेली काम कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्रों में वो सब निगरानी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस रेटिंग। या इसे हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें समय अध्ययनकर्ता श्रमिक द्वारा निष्पादित कार्य की तुलना प्रेक्षणकर्ता के एक काल्पनिक अथवा मानक सामान्य श्रमिक से करता है। निष्पादित कार्य मतलब जो कार्य आपको मिल चुका है, और ये जो होता है प्रेक्षणकर्ता मतलब जो काम आपको दिया गया हो। तो सामान्य में और जो रेगुलर काम कर रहे हैं दोनों श्रमिकों के बीच एक अध्ययन किया जाता है, दोनों का कंपेयर किया जाता है, जिसे हम परफॉर्मेंस रेटिंग कहते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इंटू 100। ये आपका फार्मूला होता है परफॉर्मेंस रेटिंग का। और इसको हम दो कॉन्सेप्ट से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट होता है कि सामान्य श्रमिक का चयन कैसे करेंगे, दूसरा किसी श्रमिक का हम रेटिंग फैक्टर ज्ञात करके भी हम दोनों के बीच डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस रेटिंग में देखने को मिलता है। तो ये सब आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, सब हम भेज देंगे अपने टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट आपका आता है अलाउंस। अलाउंस मीन्स छूट। ये क्या होता है, चलिए सब कुछ आपको जल्दी जल्दी इसमें बता देते हैं। अलाउंस क्या होता है कि जैसे कि आप कंपनी में जाते हैं तो पता चलता है कि आप थोड़ा कहीं बाहर चले गए हैं, आप थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं, आपको पानी पीने जाना है, खाना खाने जाना है, तो इन सब के लिए अलग अलग छूट निर्धारित किया जाता है। आप इंजीनियरिंग मटेरियल में पैटर्न छूट के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो लिखा गया है कि कार्य विधि अध्ययन जो होता है इसके द्वारा प्रयास किया जाता है कि नई नई उन्नत विधियों का विकास करके श्रमिक द्वारा व्यय ऊर्जा को न्यूनतम किया जाए। जैसे कि आप बाहर जाएंगे बार बार तो कंपनी का लॉस होगा, तो उसको कम करने के लिए ये प्रयास आपको अलग से छूट आपका निर्धारित कर दिया जाता है। यद्यपि सर्वाधिक मितव्ययी प्रायोगिक एवं प्रभावी विधियों का विकास हो गया है, तब भी किसी कार्य को करने के लिए मानवीय प्रयासों की आवश्यकता होती है। अतः श्रमिक को थकान से उबरने के लिए, आराम के लिए कुछ छूटें देना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी श्रमिक लगातार काम नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ छूटें ज़रूरी होती हैं। जैसे पानी पीने जाना है तो उसके लिए 1-2 मिनट लग गया तो आप उसको उसका उसमें से वेतन नहीं काटेंगे, उसकी सैलरी नहीं कट करेंगे, तो उसको छूट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो वो सब जो होता है अलाउंस, मतलब काम में व्यवधान होता क्यों है, क्या कारण होता है कि उसको छूट देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें फर्स्ट होता है कि श्रमों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जैसे पानी पीने चले जाना, टॉयलेट हो जाता है, तो इन सब के लिए अलग से छूट देने की व्यवस्था कर दी जाती है। और आपका थकान के कारण भी आपको छूट दे दी जाती है, जैसे कि औजारों की ग्राइंडिंग करने में, मशीनों की सफाई में, इन सब के कारण भी आपको अलग से छूट प्रदान कर दी जाती है। जैसे कि आदेश की प्रतीक्षा करना, दूसरे श्रमिकों का कार्य समाप्त होने तक आप इंतजार करते हैं, उसके लिए भी आपको अलग से छूट दे दी जाती है। इस प्रकार छूट को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया यहाँ पर कि छूट किसी कार्य को करने के लिए सामान्य समय के ऊपर दिया गया अतिरिक्त समय है। जैसे कि आपको पता है, आपको कहा गया है कि आपको 10 घंटे काम करना है, तो इसके ऊपर आपका 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जा रहा, तो यह आपका अलग से टाइम दे दिया जाता है, इसे हम छूट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत प्रकार के होते हैं, आपका फटीग अलाउंस होता है, पर्सनल होता है, डिले होता है, स्पेशल अलाउंस, तो ये इसके टाइप हैं। थकान छूट, व्यक्तिगत छूट, देरी छूट और एक विशेष स्थिति में आपको जो छूट दी जाती है, तो इतने टाइप के हैं। आप थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बस हम इतना ही रखते हैं। जो बच्चे हुए आपके हैं, जितने भी अब क्वेश्चन आपके बच्चे हुए हैं जितने चैप्टर के, वो सब हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। टाइम नहीं है, इस वजह से यहीं पे वीडियो को स्किप करते हैं। धन्यवाद।